सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बताएंगे कि देखो, आज जो है अपडेट के बाद हमेशा क्या होता है, गोल्ड रॉयल और डायमंड रॉयल बदल जाता है। डायमंड रॉयल नहीं बदलता, लेकिन उसकी डेट चल रही थी, उसको बदल जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से ये नहीं बदला है। तो वो क्यों नहीं बदला है, ये तो खैर हमको नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, कोई भी फेंके, क्योंकि ये चीज़ यदि पता होती तो ये सब पहले से बताते रहते हैं, तो इनकी नहीं निकलती। लेकिन ये सब बातें एक साइड, मेन चीज़ जो मैं आपको बताने आया हूँ कि आपके पास यदि वाउचर पड़े हुए हैं और वो एक्सपायर होने वाले हैं, डायमंड रॉयल वाउचर हैं, आप यदि वेट कर रहे थे कि हम बंडल लेंगे अगला और वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप वो एक्सपायर नहीं होंगे 30 दिन के लिए, मतलब एक महीने के लिए आप उनकी जो डेट को जो है बढ़ा सकते हैं। तो इधर आपको इवेंट में आना है, कैलेंडर में ऐसे टच करेंगे, इवेंट में आइएगा और उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिल जाता है एक्सचेंज करने का। आपको यहाँ पे सभी जो वाउचर एक्सपायर होने वाले हैं उनको आप एक्सचेंज कर देंगे, तो इनका एक एक महीने जो है डेट बढ़ा दिया जाएगा, वो एक्सपायर नहीं होंगे। और 11 दिन के बाद जो भी चीज़ें आने वाली हैं उनको आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी जो है इसकी मत कीजिएगा। यदि आपको लड़की का बंडल नहीं चाहिए तो आपको कुछ भी वाउचर आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लक इसमें भी हैंडेड नहीं रहता, तो फिर आपको हैंडेड का वेट करना पड़ता है अगले बंडल के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जल्दी। ओरियन कैरेक्टर पे जो कैरेक्टर है उसका जो है हम एबिलिटी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि वो आपको कहां से मिलेगा, क्या है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।